हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्मोकी बिरयानी, बहुत ही डिफरेंट टेस्ट के साथ। इसकी स्मोकीनेस है, ये बहुत ही बेस्ट पार्ट है इस बिरयानी का। आपने वैसे तो काफ़ी बिरयानी खाई होगी, बट इस जैसी बिरयानी आप फर्स्ट टाइम खाएंगे। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। यहाँ चिकन हमने लिया था, इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डाला है 2 चम्मच, नमक डाला है हमने स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा सा हमने कुटी मिर्च डाली है, कुछ चाट मसाला 1/4 चम्मच डालेंगे, थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज कलर देने के लिए यहाँ 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, यहाँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, ताकि खूबसूरत सा कलर आए। अब अच्छे से मिला देते हैं इसको। तो हम इसे मैरिनेट करने के लिए रखने वाले हैं, तो जो चीज़ें हैं हम इसमें मिक्स कर चुके हैं। दही हम बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि नमक डालने से पानी छूटेगा, तो हमें वो नहीं करना, तो हम बाद में ऐड करेंगे। तो हम इसे इस तरीके से मैरिनेट करके 1/2 आवर के लिए रख देते हैं। यहाँ हमने राइस लिया है, बासमती राइस है 1/2 kg, मैं इसे सोख करके रख देती हूँ। मुश्किल 15 से 20 मिनट के लिए आप सोख करेंगे इसे। साइड बाय साइड हम पानी हम बॉईल कर लेते हैं, उसमें कुछ खड़े मसाले जो भी आपके पास है अच्छी खुशबू के लिए इसमें डाल दीजिए। और जैसे ही पानी में बॉईल आएगा, अब हम इसमें राइस डालेंगे। बासमती राइस को ज़्यादा सोख करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो बस 15 से 20 मिनट आपको सोख करना है। थोड़ा सा हम इसमें नमक डाल देते हैं और इसको कुक कर देते हैं। बहुत ही जल्दी हो जाता है, इवन ये 4 से 5 मिनट के अंदर बॉईल हो जाता है। बिल्कुल हाफ डन करना है आपको, अच्छे से कुक नहीं करना है इसको, वरना फिर क्या होगा, बाद में भी जब कुक करेंगे तो राइस हमारे टूटेंगे। चिकन हमने ये मैरिनेट हो चुका है, इसमें हम बिरयानी मसाला डाल देते हैं। 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। दही है 100 ग्राम, थिक कर जाइए, नहीं तो आप छन्नी में भी रख के इसका एक्सेस पानी है वो निकाल सकते हैं। अच्छे से हम इसमें मिला लेते हैं इसको। तो अब ये भी मैरिनेट करके हम इसको मुश्किल 2 से 3 मिनट के लिए और रख देते हैं। जब तक हम क्या करते हैं, फ्राई पैन गर्म करते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब। उसमें ज़ीरा हमने डाला है 1/2 टीस्पून। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा कुक होगा, उसमें हम चिकन डाल देंगे। आपको उसका चिकन में दही नहीं डालनी है, जो ग्रेवी वाला पार्ट आएगा वो नहीं डालना, सिर्फ चिकन के पीसेस को उठा के इसे कुक कर लेना है। कवर कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा पानी निकलेगा उसी से ही हमारा चिकन कुक हो जाएगा। तो लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए आप रख दीजिए। तो काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है और ड्राई भी हो चुका है थोड़ा बहुत, तो हम टर्न कर लेते हैं। ऐसे ही आपको उसे बीच में कवर करते रहना है, कुक करते रहना है, जब तक पानी बिल्कुल सूख ना जाए। तो देखिए इस तरीके से पानी जब ड्राई होने लगता है तो ऑयल आपको दिखता है, और चिकन में देखिए इस तरीके से रेडनेस भी आ रही है। तो हमारा चिकन भी तैयार हो चुका है। तो जैसे ही थोड़ा सा आपका ड्राई हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, हर एक एक पीस को फ्लेम पे इस तरीके से आप रोस्ट कर दीजिए। इससे काफ़ी अच्छा भुना हुआ टेस्ट भी आएगा। आपके पास अगर कोयला है तो कोयला भी बर्नर पे रख के आप इसे कर सकते हैं, नहीं तो हम बाद में डालेंगे इस स्मोकीज़ में। जो मसाला हमने दही वाला तैयार किया था मैरिनेट करके, वो डाल देते हैं। थोड़ा नारियल पाउडर 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है, दही 100 ग्राम मैंने डाल दी है इसमें। अब हम क्या करेंगे, और भी चीज़ें ऐड करेंगे। थोड़ा सा गैस मैंने ऑन कर लिया है। टमाटर है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसको हमने पीस दिया था, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। यहाँ अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डाला, यहाँ लाल मिर्च पाउडर डाला 1 टीस्पून, यहाँ मैंने बिरयानी मसाला 1/2 टीस्पून डाला है, यहाँ नमक अपने स्वाद के अनुसार आपको डालना है। सारे मसाले डालने के बाद अच्छे से हम मिला लेते हैं। फ्लेम आप इस वक्त मीडियम भी कर सकते हैं। तो हमारा मसाला ये काफ़ी अच्छे से कुक हो रहा है, बॉयल आ रहा है इसमें। तो कसूरी मेथी हम डाल देते हैं, कसूरी मेथी नहीं है तो फ्रेश कोरिएंडर यानी हरा धनिया भी आप डाल सकते हैं, और ग्रेवी को अच्छे से इसी तरीके से पकाते रहते हैं। तो ढक्कन लगा के हम रख देते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। आप देखिए तो तेल ऊपर की तरफ आ गया है और मसाला भी कुछ थिक होना स्टार्ट हो गया। तो देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं मसाला थिक हो चुका है और हमारी ये ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो कुछ सेकेंड्स के लिए हाई फ्लेम पे और सिखा दीजिए। तो मसाला मैं आपको बताऊँगी ऐसा तैयार कर रहा, तो देखिए कितना अच्छा थिक हो चुका है। अब सब कुछ तैयार है, लेयरिंग करते हैं। इस तरीके से आप मसाले को थोड़ा सा डालेंगे, उसके ऊपर से आप चिकन के पीसेस डालेंगे जो हमने रोस्ट करके रखे थे। तो हिसाब से आप लेयरिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही बेमिसाल बिरयानी बनती है, इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है और कितना डिफरेंट है। और जो हमने चिकन यूज़ किया है वो वाला चिकन का पार्ट है जो बोनलेस होता है, तो वो कई बार ग्रेवी में खाया भी नहीं जाता है। तो इस तरीके से बिरयानी के फॉर्म में आराम से आप इसे खा सकते हैं। राइस डाल दीजिए, राइस के बाद दोबारा हम ग्रेवी डाल देंगे। और भी चीज़ें टेस्ट इम्प्रूव करने के लिए डाल सकते हैं आप चिकन डालने के बाद, जैसे अगर आपके पास कोई मसाला है या फिर आप अचार है आपके पास, वो भी डाल सकते हैं आप इसमें।
तो मैं जो इसमें डालने वाली हूँ हरा धनिया डाल रही हूँ, और जो अचार है वो हम हरी मिर्च का अचार इसमें डालने वाले हैं। फूड कलर आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको कलर पसंद है। तो मैं येलो ग्रीन इसमें डालने वाली हूँ। यहाँ मैंने अचार डाल दिया है जो कि हरी मिर्च का अचार है, जो बिरयानी अचार के नाम से भी मिलता है, तो वो आप आराम से परचेज कर सकते हैं बाहर से। राइस प्रेसेस के ऊपर डेरिंग कर देते हैं। आप देख रहे हैं ना, राइस काफ़ी खड़े खड़े हुए हैं, बिल्कुल 70-80% इसे मैंने कुक किया है। फिर से चिकन के पीसेस हम इसमें डाल देते हैं। बहुत अच्छे से लेयरिंग आपको करनी है। हरा धनिया डालिए, अगर हरा धनिया नहीं है तो पुदीना भी डाल सकते हो, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसमें हम घी डाल देते हैं जितना आपको अच्छा लगे। ऐसे हमने ग्रेवी भी डाली थी, उसमें भी ऑयल था ही। ये स्मोक दे देते हैं, कवर कर देते हैं। आप कुछ सेकेंड्स के लिए इसको गैस पे भी आँच पे भी कुक कर दीजिए। तो देखिए काफ़ी अच्छा सा खुशबू आई है, और राइस को भी मैं पलट कर दिखा देती हूँ। काफ़ी खिले खिले राइस बने हैं, कलर बहुत ही अमेजिंग है गाइस। मैंने इसे टेस्ट किया था, टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए। और इस रेसिपी में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही बेमिसाल रेसिपी है। तो जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो ज़रूर इस वीडियो को ट्राई कीजिए, इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, और मेरी इस वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें। अगर बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्रेस ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बेमिसाल वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएगी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को हिट करते हैं। हम ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ फिर से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।